हेलो दोस्तों कैसे हैं आप आज हम केपी और केसी की सिंपल ट्रिक से उनको कैलकुलेट करना सीखेंगे तो इसके लिए अपने को दो फार्मूले याद रखने होंगे इसमें पहला फार्मूला है केसी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट और यहाँ पे ऊपर लिखा है मैंने कोफ़िशेंट मोल ऑफ द प्रोडक्ट रेज पावर कोफिशियट ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाई द मोल ऑफ़ द प्रोडक्ट रेज टूथ पावर कोफिशियंट ऑफ द रिएक्टेंट मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम रेज टूथ पावर माइनस ऑफ डेल्टा एन जी यहाँ पर कुछ टर्म्स आ रही हैं इनको हम नीचे क्लैरिफाई कर लेंगे कि डेल्टा एन जी क्या है और ये कोफिशियंट ऑफ द प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कैसे हैं ऐसे ही के पी का फॉर्मूला अपने को याद करना है के पी इजल टू मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट रेज टुथ पावर कोफिशियट ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट रेज टूथ पावर कोफिशियंट ऑफ द रिएक्टेंट मल्टीप्लाइड बाई एन टी अपॉन पी टी रेज पावर माइनस डेल्टा एन जी ये दो फॉर्मूले आप याद कर लेंगे और यहाँ पे मैं तर, जो कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो अपने यहाँ पे यूज़ हो रही हैं उनको मैं लिख लेता हूँ जैसे यहाँ पे वी है जो है ये वी लिया गया है वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ द वैसल जिसमें हम ये रिएक्शन कराते हैं एंटी टोटलमोल्स टोटल मोल्स पीटी, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर, और एक टर्म यूज़ हुई है डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एनपी है नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट ऐसे ही एन आर है आपके पास में नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट इन दो फॉर्मूले के बेसिस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट और जेई में चलो एक क्वेश्चन की हेल्प से अपन समझते हैं कि हम ये जो के पी और के सी है इसको अप्लाई कैसे करना है तो क्वेश्चन है आपके पास में कोई एक इक्विलिब्रियम एक एक रिएक्शन है इन्हें इक्विलिब्रियम रिएक्शन टू टू -SO वो रिएक्ट करता है ओ के साथ में और इक्लेव में जाके टू मोल्स ऑफ एस थ्री बनाता है ऑल द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर इन गैसेज फॉर्म ये गैसेज फॉर्म में है क्या कह रहा है जब टी इजकल टू जीरो इनिशियली जो रिएक्शन शुरू नहीं हुई है तो SO4 के चार मोल दिए हुए हैं और ऑक्सीजन के तीन मोल दिए हुए हैं और SO3 के मोल नहीं दिए हुए हैं अपने को रिएक्शन शुरू हुई है तो SO3 प्रेजेंट नहीं है रिएक्शन वैसल में अपने पास में और क्या दिया हुआ है वैशल इन विच रिएक्शन आकर्स इज ऑफ टेन लीटर ये वॉल्यूम दिया है टेन लीटर है एंड एट इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम टू मोल्स ऑफ एसओ थ्री फॉर्म्ड जब इक्विलिब्रियम आता है रिएक्शन होने के बाद में तो दो मोल बनते हैं एसओ थ्री के एंड एट ए टी एम इज टोटल प्रेशर और जो रिएक्शन होने के बाद में इक्विलिब्रियम आता है उस समय पे इक्विलिब्रियम वेसल वेसल जो है उसके अंदर एट एटमोस्फेरिक प्रेशर है तो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड के पी एंड के सी के पी और के सी अपने को कैलकुलेट करना है चलिए कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी हमने फॉर्मूला लिखा था फॉर्मूला क्या था के सी का एक बार फॉर्मूला लिखेंगे मोल्स ऑफ प्रोडक्ट की पावर कोफिशियंट है उसके डिवाइड बाई मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर कोफिशेंट है उसके मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम रेज टू पावर माइनस ऑफ डेल्टा एन जी तो ये रिएक्शन को एक बार मैं वापस लिख लेता हूँ सिम्पलिसिटी के लिए 2SO2 O2 ओ प्लस में है 2SO3 T ओ थ्री टू जीरो शुरुआत में जब रिएक्शन हुई नहीं है तो यहाँ पे इसके चार मोल दिए थे इसके तीन मोल दिए एट इक्विलिब्रियम जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आती है तो SO3 के अपने पास में कहता है कि दो मोल बन गए तो इसके दो मोल बने हैं SO3 के वो किससे बने होंगे SO2 से और O2 से बने होंगे तो इसका मतलब एस और ओ में कुछ कमी आई होगी तो कितने मोल्स कम हुए होंगे तो फोर में से कुछ कम हुए होंगे कितने कम हुए होंगे क्योंकि अपने को स्टोक्योमेट्री से पता है एस के दो मोल से एस के दो मोल बनते हैं मतलब बराबर एस ओ टू लेंगे तो उतने ही एस ओ थ्री बनेगी अपने पास में तो यहाँ पे टू एस ऑफ एस ओ थ्री बने हैं इसका मतलब दो यहाँ से कम हुए होंगे सिमिलरली यहाँ से देखेंगे थ्री माइनस यहाँ पर कितना लिखूंगा वन क्योंकि यहाँ पर स्टोकोमेट्री ये कहती है जब एस ओ थ्री के टू मोल्स बनते हैं तो ओ टू के वन मोल कंज्यूम हुआ होगा तो यहाँ पर वन मोल कंज्यूम हुआ इसलिए इक्विलिब्रियम पे एस ओ टू के मोल है टू ओ टू के मोल है टू और एस ओ थ्री के मोल हैं टू एंटी मीन्स टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम टोटल मोल कितने हो गए अपने पास टू प्लस टू प्लस टू इजिकल टू सिक्स ठीक है डेल्टा एन जी ये कैलकुलेट करना है डेल्टा एन जी ये वैल्यू होगी नंबर ऑफ गैसेज़ प्रोडक्ट तो स्टोकोमेट्रिक अकॉर्डिंग प्रोडक्ट है अपने पास SO3 थ्री और इसके प्रोडक्ट के मोल्स हैं टू माइनस नंबर ऑफ गैश रिएक्टेंट रिएक्टेंट कितने हैं अपने पास में वन मोल और टू मोल तो वन और टू कितना हो गया थ्री ये माइनस थ्री करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस वन अभी आपने जो फॉर्मूला लिखा है के सी का इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे देखिए के सी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट तो मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम पे कितने हैं टू रेज टू द पावर कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट कितना है बोलिए कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट है टू डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट टू रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट टू मल्टीप्लाइड बाई ये एक और रिएक्टेंट अपने पास में इसके मॉल्स और इसका रेज टू पावर इट का कोफ़िशेंट मल्टीप्लाइड वॉल्यूम वॉल्यूम दिया है टेन लीटर रेज पावर माइनस डेल्टा एन जी माइनस और डेल्टा एन जी की वैल्यू है माइनस वन ये वैल्यू है माइनस वन तो अब सिम्प्लीफाई करेंगे के सी की वैल्यू आ जाएगी ये से टू रेज पावर टू से ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस से रिएक्ट करेगा ये प्लस हो जाएगा टेन रेज पावर टू इक्वल टू फाइव यहाँ पे के सी की वैल्यू अपने पास में आ गई फाइव देखिए के पी भी अभी निकालना है अपने को तो ऐसे ही सिमिलरली तो आपने फॉर्मूले में देखा था ये वाली वैल्यू यहाँ पे फॉर्मूले में आपने देखा था जो ये वाली वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है दोनों सेम ही है फॉर्मूले में तो आपको वापस वापस कैलकुलेट नहीं करना है ये वैल्यू सिमिलरली वापस लिख दूंगा मैं टू रेज टू पावर टू टू रेज पावर टू मल्टीप्लाइड बाई टू रेज टू पावर वन मल्टीप्लाइड बाई एन टी अपॉन पी टी क्या था इधर देखिए एन टी अपॉन पी टी रेज पावर माइनस डेल्टा एन जी एन टी अपॉन पी टी एन टी की वैल्यू अपने पास में आई थी सिक्स अपॉन पी की वैल्यू एट अपने को फॉर्मूले में दी हुई माइनस डेल्टा एन माइनस डेल्टा एन की वैल्यू माइनस वन इस तरह से इसको कैंसिल कर लेंगे ये वैल्यू आएगी आपके पास में सिक्स डिवाइड बाई एट टू जा सिक्सटीन इसको कैंसिल करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी थ्री अपॉन एट इस तरह से के भी आपने निकाल लिया तो के पी आपने निकाल लिया इसी के बेसिस पे नीट और जेई में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से एक एक क्वेश्चन आप करके देख लीजिएगा जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं ये क्वेश्चन देखिए आप ये क्वेश्चन है नीट एग्जाम में पूछा गया है तो क्वेश्चन है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्वेश्चन है आपके पास में द इक्वलियम कॉन्सटेंट एट टू नाइंटी एट कैलविन ए बी सी डी इज हंड्रेड इफ़ द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज वर वन मोलर ईच दैन इक्वलियम कंसनट्रेशन ऑफ डी विल बी तो सोल्यूशन इसका देखिए कैसे करेंगे ए प्लस बी ये दिया हुआ है सी प्लस डी बना रहा है और यहाँ पर आपने को के सी की वैल्यू दे रखी है हंड्रेड इनिशियली टी इजल टू जीरो इनिशियली आपके पास में सभी के एक एक मोलर है वन मोलर है तो वन मोल प्रेजेंट है वन लीटर सॉल्यूशन के अंदर और टी इजिकल टू इक्विलेबरियम जब इक्वेबियम आएगा तो आपको पता है प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन बढ़ेगी तो लेट से इसमें x क्वान्टिटी x मोल बढ़ गए तो d के भी x मोल बढ़ गए सभी का कोफिशेंट वन है तो a के भी x मोल कम हो गए और b के भी x मोल कम हो गए अब अपने को ये ये वैल्यू जो है इक्ोरियम पे डी टी की जो कंसनट्रेशन है वो अपने को पता करनी है तो हमने फॉर्मूला लिखा था के सी इजल टू डायरेक्टली अपन लिखेंगे मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट प्रोडक्ट अपने पास दो हैं तो सी का लिख लेते हैं मोल्स सी के कितने हैं वन माइनस एक्स रेज टू पावर कोफिशेंट वन है मल्टीप्लाइड सिमिलरली वन प्लस एक्स रेज टू पावर कोफिशेंट डी का है वन डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स रेज टू पावर वन मल्टीप्लाइड बाई कोफिशेंट ऑफ रिएक्टेंट पी वाले रिएक्टेंट का वन माइनस एक्स रेज टू पावर वन तो के सी की वैल्यू यहाँ पुट मल्टीप्लाइड बाई वी वॉल्यूम अपने को v की पावर वॉल्यूम अपने को दिया नहीं है रिएक्शन वेसल का लेकिन v रेज टू पावर माइनस डेल्टा एन जी यहाँ पर अगर अपन डेल्टा एन जी देखेंगे डेल्टा एन जी नंबर ऑफ गैश प्रोडक्ट वन और वन टू माइनस वन और वन रिएक्टेंट गैसेस रिएक्टेंट टू तो ये वैल्यू आ जाती है ज़ीरो तो किसी की भी वॉल्यूम की पावर आप जीरो कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास वन इसका मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू अपने को यूज़ में आ ही नहीं रही है तो ये वाली वैल्यू अपने यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी सिंपली अपने को यहीं से कैलकुलेट करना है तो देखिए के की वैल्यू है हंड्रेड इजिक्वल टू वन प्लस एक्स वन प्लस एक्स ये वैल्यू आ जाएगी वन प्लस एक्स का स्क्वायर और नीचे भी वन माइनस एक्स का स्क्वायर यहाँ फर्दर कैलकुलेट करेंगे वन प्लस एक्स डिवाइड बाई वन माइनस एक्स ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में टेन स्क्वायर रूट ले लेंगे और यहाँ से हम एक्स की वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू कितनी आएगी कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आपके पास में आएगी पॉइंट एट वन तो डी की जो कंसनट्रेशन है इक्विलिब्रियम पे ये वैल्यू थी अपने पास वन प्लस एक्स ये ये वैल्यू ये वैल्यू थी अपने पास वन प्लस एक्स और यहाँ पे एक्स की वैल्यू वन पॉइंट एट वन ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे वन पॉइंट एट वन इस तरह से ये डायरेक्टली आपने क्वेश्चन कर लिया इसी तरह से एक प्रीवियस एग्जाम में एक और क्वेश्चन लेते हैं ये क्वेश्चन है देखिएगा इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन क्या है द रिएक्शन बिटवीन टू गैसेज रिप्रजेंटेड बाई ए टू एंड बी टू टू गिव द कंपाउंड ए बी हमारे पास में ए टू प्लस बी टू दिया हुआ है ये इक्वलिबियम एस्टेब्लिश करता है और बनाता है ए बी प्रोडक्ट गैसेस होम में है सारे एट इक्वेबरियम कंसेंट्रेशन आपने को इक्वलीब्रियम पर दे रखी है सभी की ए टू की कंसनट्रेशन है थ्री पॉइंट जीरो इंटू टेन रि पावर माइनस थ्री b2 की वैल्यू है 4.2 पॉइंट टू इंटू टेन रेज पावर माइनस ऑफ थ्री और ए बी की इक्वेरम पे कंसनट्रेशन है 2.8 पॉइंट एट टेन रेज पावर माइनस ऑफ थ्री इफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ए सील्ड वैसल और ये रिएक्शन अपने को एक सील्ड वैसल में कराई गई है इक्वलियरम वैसे भी सील्ड वैसल में ही आता है बंद बर्तन में एट 527 ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस ठीक है द वैल्यू ऑफ के सी और के सी की वैल्यू हमने से कैलकुलेट करवाई है तो हमने डायरेक्टली फार्मूला याद किया था उस फार्मूले के बेसिस पे हम डायरेक्टली निकालेंगे क्वेश्चन को के सी इक्वल टू फार्मूला वापस लिखने की जरूरत नहीं है शायद अब मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम पे दे रखें हमें टू पॉइंट एट इंटू टेन रिज पावर माइनस ऑफ थ्री रेज टू पावर कोफिशियंट ऑफ द प्रोडक्ट वैल्यू टू है डिवाइड बाय द मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट अपने पास दो रिएक्टेंट है ठीक है एक रिएक्टेंट लिखते हैं पहले थ्री पॉइंट जीरो इंटू टेन रिज पावर माइनस ऑफ थ्री रेज टू पावर कोफिशियन वन है मल्टीप्लाइड मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट दूसरे वाला रिएक्टेंट बी टू फोर पॉइंट टू इंटू टेन रेज पावर माइनस ऑफ थ्री रेज टू पावर कोफिशियंट कोफिशेंट इसका वन है मल्टीप्लाइड बाई के सी की फॉर्मूले वी माइनस डेल्टा एन जी होता था अब यहाँ पर भी देखेंगे अगर आप तो डेल्टा एन जी की वैल्यू यहाँ पर भी ज़ीरो ही आती है कैसे प्रोडक्ट के मोल्स टू गैश माइनस रिएक्टेंट वन और वन दो रिएक्टेंट है माइनस टू ये कोफिशेंट हो गया तो ये जीरो आ गई तो यहाँ पे भी इस फॉर्मूले में भी डेल्टा एन की वैल्यू जीरो आ रही है और ये अगर डेल्टा एन की वैल्यू जीरो आती है किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू अगर पावर में ज़ीरो आ जाती है तो वैल्यू आ जाती है वन तो इसका मतलब यह है कि इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अब यहाँ पे अपने को के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है सिंपली तो यहाँ पे अगर आप के की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये पावर से तो पावर कैंसिल हो जाएगी थ्री की पावर टेन रेज पावर माइनस थ्री टेन रेज पावर माइनस थ्री से टेन रेज पावर माइनस थ्री कैंसिल हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे पावर वन और वन ये पावर टू है तो ये सिंप्लीफाई होके आया है टू पॉइंट एट रेज पावर टू थ्री पॉइंट ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई फोर पॉइंट टू इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली फोर पॉइंट टू के आसपास आ जाती है तो ये करेक्ट आंसर है इसी तरह से uh, बहुत सारे क्वेश्चन अपने से नीट और जेई में पूछे गए हैं ये दो क्वेश्चन आपको बता दिए मैंने नीट और जेई के प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं इसी तरह से आपको अगर ये दो फॉर्मूले याद कर लेते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को के पी के को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं